A very good day to all of you. In our previous e video, we studied about the collective farming system which is being practiced in the communist nations of the world. Today, we will study about the state farming system, which again is a spe specialized form of agriculture. बींग प्रैक्टिस्ड इन दी कम्युनिस्ट नेशंस स्पेशली इन रशिया एंड चाइना हमारे पिछले ई वीडियो में हमने सामुदायिक कृषि व्यवस्था या कोलखोस का अध्ययन किया था और आज हम राजकीय कृषि व्यवस्था या सोफोस का अध्ययन करेंगे राजकीय फार्मिंग कृषि व्यवस्था राजकीय फार्मिंग कृषि व्यवस्था एक स्पेशलाइज्ड कृषि व्यवस्था है जो कि प्रमुखतः सोवियत रूस और चीन में पाई जाती है ऐसा कहा जाता है कि इन राजकीय फॉर्म्स की उत्पत्ति रशिया की अक्टूबर 1917 के रेवोल्यूशन के बात हुई है रशिया या सोवियत रूस में इन राजकीय फॉर्म्स को सोवखोस कहा जाता है ये सोवखोस राजकीय नियंत्रित कृषि फॉर्म होते हैं और इनका जो जैसा मैंने कहा दैट दे केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर दी ऑक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवनटीन एंड दे आर स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज तो अब हम राजकीय फार्मिंग कृषि व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे राजकीय फार्म जैसा कि नाम से डिनोट होता है स्टेट फार्मिंग पैटर्न है तो ये जो राजकीय फार्म हैं वे राज्य सरकार के उपक्रम होते हैं और राज्य सरकार की नीतियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं इनमें सभी प्रकार के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वे उस एरिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं वो जो राजकीय फार्म है या सोफोज है उस पर कार्य करने वाले कृषकों का कोई अधिकार नहीं होता कलेक्टिव या सामुदायिक फार्मिंग में वो जो फार्म होता है उस पर सभी कृषकों का समान अधिकार होता है जबकि सोवखोज या राजकीय फार्मिंग व्यवस्था में कृषि भूमि पर उस पर कार्य करने वाले कृषकों का कोई अधिकार नहीं होता और वो टोटली राज्य सरकार के अधीन होते हैं फार्म पर कृषि करने वाले सभी लोगों का मासिक वेतन दिया जाता है ना जो फार्म पर कृषि करने वाले लोग हैं उनमें कृषक श्रमिक हो सकते हैं कृषि विशेषज्ञ हो सकते हैं या वहाँ की व्यवस्थाओं को जो संभालने वाले विभिन्न लेवल के जो लेबर और मैनेजमेंट होता है प्रबंधक होते हैं वो सभी मासिक वेतन पाने वाले लोग होते हैं और अगर जो सरकार की नीति में जो उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है अगर उस लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो जाता है तो फिर उस अधिक उत्पादन पर इन सभी कृषि श्रमिकों कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रबंधकों को जो कि उस सोफखोस पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक्सेसिव प्रोडक्शन में बोनस की व्यवस्था होती है कृषि विस्तृत कृषि पद्धति से की जाती है क्योंकि फार्म्स बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं स्टेट ओन फार्म्स हैं और बड़ी साइज के फार्म्स हैं तो जो पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पैटर्न होता है और क्योंकि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पैटर्न यूज़ किया जा रहा है तो फसलों का उत्पादन भी वृहद स्तर पर होता है ना जो फसलें हैं कौन सी फसल बोई जाएगी कितने एरिया पर बोई जाएगी फसल और पशुपालन का क्या कॉम्बिनेशन होगा व्यापारिक फसल होगी या कि कोई जीवन निर्वहन वाली खाद्यान्न फसल होगी ये सब जो डिसीजंस होते हैं और वो सब ही स्टेट या वहाँ की जो राज्य सरकार होती है उसकी नीतियों और उसके नियंत्रकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं पर जो फसल होती है उसका उत्पादन वृहद स्तर पर होता है मतलब लार्ज स्केल फार्मिंग होती है ना क्योंकि यह स्टेट ओन्ड फार्मिंग पैटर्न है, uh, है इसलिए उसमें एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग है तो पूंजी की व्यवस्था और अन्य आर्थिक संसाधन जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उस फार्म को मेंटेन करने के लिए जैसे कि वहाँ पे कार्य करने वालों को जो मासिक वेतन दिया जाना है जो उनको बोनस दिया जाना है या सीड्स के लिए खाद के लिए पेस्टिसाइड्स के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वह सभी जो आर्थिक संसाधन और पूंजी है वह राज्य की सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है जो प्रोडक्शन होता है वो साइंटिफिकली मैनेज होता है सीड्स उत्तम क्वालिटी के होते हैं उस पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है और और भी जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं जैसे सॉयल कल्चर करने का विधि है या अन्य तरह से जो भी कृषि विशेषज्ञ जिस प्रकार की भी विधि बताते हैं उस तरीके की साइंटिफिक विधियों का स्टेट फार्मिंग के अंतर्गत उपयोग किया जाता है नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का उपयोग होता है यह एक एक्सटेंसिव टाइप की फार्मिंग है जहाँ पर कि फॉर्म्स बड़े होते हैं और उत्पादन वह पैमाने पर किया जाता है तो नवीनतम तकनीकों का और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्टर्स कंबाइनर्स हार्वेस्टर्स जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है इन फार्म्स पर सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज अ साइंटिफिक एंड मैकेनाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिकॉज इट इज साइंटिफिक एंड मैकेनाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि ये स्टेट ओन्ड फार्मस हैं तो विभिन्न प्रकार के जो कृषि में शोध कार्य होते हैं उन शोध कार्यों को व्यावहारिक रूप से इन स्टेट फॉर्म्स में उपयोग किया जाता है और फिर उन कार्यों के जो व्यवहारिक यूज़ है उसके जो परिणाम होते हैं उनका अध्ययन भी इन राजकीय फॉर्मों में किए जाता है तो यहाँ पर जो रिसर्च है उस रिसर्च के लिए भी ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स का एक आ, की तरह भी ये यूज किए जाते हैं कृषि दक्षता दर और उत्पादन दर कम होती है क्योंकि जो श्रमिक हैं जो विशेषज्ञ हैं जो प्रबंधक हैं उनको मासिक वेतन मिलता है और वो जो फार्म है उसकी भूमि पर कृषकों का कोई स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है और इसलिए श्रमिकों में मोटिवेशन की कमी होती है और क्योंकि मोटिवेशन की कमी होती है इसलिए उनमें उदासीनता होती है कि वो कितना भी काम करें उन्हें तो मासिक वेतन ही उनका मिलना है तो ये जो उदासीनता की भावना होती है इस उदासीनता की भावना की वजह से ये जो राजकीय फॉर्म्स होते हैं इन राजकीय फॉर्मों में कृषि दक्षता दर कम पाई जाती है और उत्पादन दर चाहे वो भूमि के हिसाब से अपन देखें प्रति एकड़ या श्रम के हिसाब से हम देखें कि प्रति व्यक्ति दोनों तरीके से ही जो उत्पादन दर होती है वह कम पाई जाती है यहाँ पर जो रूस के राजकीय फॉर्म होते हैं इनका स्वामित्व एवं संचालन शासकीय एजेंसीज़ के द्वारा होता है और यह जो शासकीय एजेंसीज़ होती हैं यही इसमें इनपुट्स करती हैं तो इसलिए यहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है तो कृषि दक्षता दर और उत्पादन दर कम पाई जाती है तो अभी हमने देखा कि स्टेट फार्मिंग या राजकीय फॉर्म्स के कुछ we today studied about the sovkhoz or the state farming pattern which is majorly being practiced in russia and china. here the state farms are big in size and extensive pattern of agriculture is applied. all the decisions regarding the crop combination, the methodology, the pattern is taken by the government agencies. the farmers, the specialists, the managers who manage these farms work on a monthly wage basis and they have no ownership into the farm. these farms are highly scientific and mechanized farms where scientific techniques and latest Technological methods are being used. The total management of the state farms or SOFCOs uh, is done by the state agencies who also provide the various kinds of capital and other inputs required for the management of the farm. So, these were the special characteristics of the state farming agriculture system, which is also known as the Sovko's system. Thank you.